Hi guys, my name is Shreya and welcome back to my channel Beauty and the Code. आज के वीडियो में मैं बात करूंगी पुलिस पोशन लव फॉर हर EDP का परफ्यूम रिव्यू. सो ये वाला परफ्यूम मैंने रिसेंटली ही हॉल किया था एंड मैं तब से उसको टेस्ट एंड ट्राई कर रही थी. इफ़ यू कांट टेल ऑलरेडी, आज मेरा आउटफिट भी इसी कलर कॉम्बिनेशन से काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड है. लाइक आई एम लिटरली वेयरिंग दिस डार्क पिंक एंड सिल्वर टुडे, वेयरिंग डार्क पिंक एंड वेयरिंग सिल्वर ज्वेलरी टुडे जस्ट टू मैच द परफ्यूम. आई एम लाइक रियली एंथुसियास्टिक फॉर रिव्यूइंग दिस परफ्यूम. सो लेट्स बिगिन. बिफोर वी डू सो, मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लिया है, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बिफोर आई इवन बिगिन विद द परफ्यूम, आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर द लिपस्टिक शेड दैट आई एम वेयरिंग, बिकॉज आई एम श्योर लाइक फॉर दीज काइंड ऑफ लिपस्टिक्स विच आर लाइक काइंड ऑफ न्यूड एंड ग्लॉसी, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट ऑन ईच ऑफ द वीडियोज टू से कि मैंने क्या पहना हुआ है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर इट इन द वीडियो इट सेल्फ. आई एम वेयरिंग कलरबार क्रीमी एज आई एम लिप कलर एंड द शेड दैट आई एम वेयरिंग इज 010 टेंडरली. दिस इज हाउ द लिपस्टिक लुक्स लाइक. एंड ओपन करने पे ये ऐसे स्लाइड होके ओपन होता है एंड दिस इज़ हाउ द ग्लॉसी लिपस्टिक इज. दिस कलर इज़ वेरी गॉर्जियस पीच एज यू कैन सी हियर. बहुत ही लाइट सा कलर है, ये पीच कलर है एंड मुझे लगा नहीं था कि मेरे लिप्स के ऊपर उतना अच्छा दिखेगा, बट जब मैंने इसको अप्लाई किया तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है लगा के. इट्स वॉशिंग मी आउट ज़रा सा, बट आई डोंट माइंड वेयरिंग अ शेड लाइक दिस ऑन एवरीडे बेसिस. ऑलराइट, तो अब हम शुरू करते हैं जल्दी से वीडियो के साथ. सो वील टॉक अबाउट द पैकेजिंग फर्स्ट. सो पुलिस पोशन लव EDP फॉर हर इस बॉक्स में आता है. इट हैज़ अ वेरी डिस्टिंक्ट मेटालिक फील टू इट, लाइक इट हैज़ अ वेरी प्रोमिनेंट पैकेजिंग. एकदम कड़क मेटालिक फील है बॉक्स का. इट हैज़ अ गॉथिक लुक, थोड़ा डीप एंड डार्क लुक है इसका. एंड येस, इट्स लाइक लव पोशन, सो इट हैज़ दैट मिस्टीरियस लुक एंड फील टू इट. आई लव द पैकेजिंग ऑफ दिस वन. एंड ऊपर की तरफ पुलिस लिखा हुआ है, यहाँ पे एक स्कल बना हुआ है एज ऑलवेज, एंड यहाँ पे भी पुलिस लिखा है, यहाँ पे भी पुलिस लिखा है. पीछे की तरफ प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स हैं, इन्ग्रीडियंट्स एंड एवरीथिंग. एंड ये ऐसे लिखा है कि दिस इज़ इंस्पायर्ड बाई मैजिकल वर्ल्ड ऑफ पोशंस. आई लव द फैक्ट दैट दिस इज गिविंग दैट Harry Potter wala vibe. It literally looks like a Harry Potter book to me. Like the packaging is just amazing. This one is kind of like expensive. Ye 100 ml ka perfume hai and I bought it for 4600 rupees. I definitely got it on some discount. I never pay MRP, but I still like, even if it is 3k, I find it expensive. And open karne par this is how the perfume is housed inside. Kafi acche se iska packaging hai, like प्रोटेक्शन एंड ऑल काफ़ी अच्छा दिया हुआ है. सो हियर इज द परफ्यूम सिटिंग इन. लेट्स जस्ट ग्रैब दिस वन. एंड दिस इज द गॉर्जियस गॉर्जियस बॉटल. लाइक इट लिटरली लुक्स लाइक सम काइंड ऑफ अ पोशन. इट डेफिनेटली डज नॉट लुक लाइक लव पोशन बिकॉज ऑफ द स्कल सिटिंग राइट देयर, बट ये एक पोशन की तरह ज़रूर दिखता है. इट हैज़ अ वेरी मिस्टीरियस फील टू इट. थोड़ा और गॉथिक होना चाहिए था इज वॉट आई वॉज थिंकिंग, बट ओवरऑल द पैकेजिंग इज रियली रियली डार्क एंड मिस्टिक एंड या इट्स अ लवली पैकेजिंग. इसका मेटालिक ग्रे कलर का कैप है एटोमाइजर का, बहुत ही इट्स अ प्लास्टिक, हल्का प्लास्टिक क्वालिटी है. यहाँ पे पुलिस लिखा हुआ है, ओवरऑल और कुछ नहीं है इस पर स्कल के अलावा. आई लाइक द पैकेजिंग अलॉट. लाइक काफ़ी यूनिक पैकेजिंग है इसका. हाँ, वो भारी भरकम सा स्कल नहीं है. आई फाइंड दिस बॉटल शेप टू बी मोर यूजेबल इफ़ यू आस्क मी. वो स्कल बॉटल को कैरी करना पर्स में, बाहर सबके सामने निकाल के परफ्यूम लगाना थोड़ा एम्बेरसिंग सा हो जाता है. घर पे वो डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छा दिखता है, वैनिटी भी बहुत अच्छा दिखता है, बट कैरी करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए बिल्कुल पैथेटिक पैकेजिंग है. दिस इज़ मोर ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग, सो आई लाइक दिस वन मोर. नाउ लेट्स जस्ट स्प्रे दिस ऑन अ परफ्यूम स्ट्रिप एंड देन आई टॉक अबाउट द नोट्स एंड एवरीथिंग. द एटोमाइजर इज नाइस एंड शार्प एंड राइट ऑफ द बैक ऑफ माई हेड, लाइक द ओनली थिंग दैट आई कैन स्मेल अभी के अभी, बिल्कुल जब फ्रेश स्प्रे किया है, इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्वा ट्यूबरोज बबल गम ऑयली फ्रेगरेंस. लाइक लिटरली, इट लिटरली फील्स लाइक ट्यूबरोज
ऑयल टू मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, तो इसकी ओपनिंग के बारे में बात करते हैं. इसमें डेफिनेटली एक्वा या सी नोट्स प्रेजेंट है. एक थोड़ा सा सॉल्टीनेस भी आ रहा है मुझे, जैसे ओलंपिया के फ्रेग्रेंस में एक सॉल्टीनेस आता है, वैसा थोड़ा बहुत सॉल्टीनेस मुझे फील हो रहा है इसमें. एंड उतना एक्वा या उतना ऐसे ईजी ब्रीजी वाला फील नहीं है, ओशन वाला फील नहीं है. इट जस्ट हैज़ दैट काइंड ऑफ लाइक वाटरी सॉल्टीनेस टू इट. एंड इट डेफिनेटली हैज़ अ फ्रूटी पंच इन द ओपनिंग. थोड़ा सा सिट्रस पंच लग रहा है इसमें. बर्गमॉट ग्रेप फ्रूट की वजह से वो एलिमेंट्स इसमें काफ़ी उठ के आते हैं, बट दे आर नॉट एट ऑल स्क्रीची. एलिमेंट्स काफ़ी अच्छे से वेल ब्लेंडेड है. बट हाँ, ये परफ्यूम स्ट्रांग है, दैट इज़ फॉर श्योर. नाउ इट्स लाइक सेटलिंग डाउन. तो सेटल डाउन होने के बाद ये मुझे एक बहुत ही स्ट्रांग वाइट फ्लोरल परफ्यूम लग रहा है. लाइक द ट्यूबरोज इन हेयर रजनीगंधा बहुत ही स्ट्रांग है इसमें. एंड डेफिनेटली वो एक पंच आ रहा है मुझे. लाइक पता चल रहा है अलग से कि ट्यूबरोज इसमें है. तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि इसके शार्प एजेस नहीं है. इस परफ्यूम में डेफिनेटली शार्प एज है एंड वो ट्यूबरोज का है. इसमें थोड़ा सा हल्का रोज़ भी है. रोज़ मुझे उतना प्रोमिनेंट नहीं उठ के आ रहा. वाइट फ्लोरल मुझे काफ़ी इसमें स्ट्रांग लग रहा है, जिसकी वजह से रोज़ उतना उठ के नहीं आ रहा. ट्यूबरोज रोज़ ऑरेंज ब्लॉसम का इसका हार्ट नोट है. मुझे उतना ऑरेंज ब्लॉसम भी मुझे उतना नहीं उठ के आ रहा जितना ट्यूबरोज आ रहा है. बट दैट जस्ट सिंपली मीन्स दैट इट इज़ वेरी वेल ब्लेंडेड. सो रोज़ एंड ऑरेंज ब्लॉसम ट्यूबरोज के साथ काफ़ी अच्छे से ब्लेंडेड है. लेकिन हाँ, ट्यूबरोज डोमिनेट कर रहा है. इसका ड्राई डाउन थोड़ा मस्की ड्राई डाउन है इसमें. एंड इट हैज़ पीच इन इट, जिसकी वजह से एक थोड़ा सा स्वीट फ्रूटीनेस है इसके ड्राई डाउन में. इट ऑल्सो हैज़ समथिंग कॉल्ड एज एम्ब्रा रोम. मैंने ये नोट पहली बार सुना एंड मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है. सो आई एम गोइंग टू डू माई एनालिसिस ऑन दैट. बट आई एम थिंकिंग दैट इट कुड बी समथिंग विच गिव्स वॉर्म्थ जस्ट लाइक एम्बर. सो क्योंकि इसमें थोड़ी सी वॉर्म्थ है, लाइक द फ्रेग्रेंस हैज़ सम काइंड ऑफ वॉर्म्थ इन इट. सो दैट इज़ देयर. बट इट हैज़ अ वेरी वेरी डिस्टिंक्ट कफ सिरपी बबल गमी वाइब टू इट. लाइक ओवरऑल मैं जितनी बार भी इसको मैंने यूज़ करके देखा, अपने ऊपर लगा के देखा, एंड हर बार मुझे एक नया ऐसे मिस्ट्री एलिमेंट लगता था इसमें. कभी ये मुझे बहुत फ्रूटी लग रही थी, कभी ये मुझे बहुत बबल गमी लग रही थी, कभी मुझे ये थोड़ी प्लास्टिकी लगती थी, एंड थोड़ी सी ऑयली भी लगती है. तो इन अ नटशेल मुझे ऐसा लगने लग गया कि हाँ, हर बार मेरा एक थोड़ा अलग एक्सपीरियंस होता है इस परफ्यूम के साथ. एंड दैट्स वंडरफुल टू मी, बिकॉज ये बहुत मिस्टीरियस हो जाती है फ्रेग्रेंस जब ये अलग अलग टाइम पर अलग अलग ओकेजन पे अलग बिहेव करे. तो मेरे लिए ये काफ़ी चैलेंजिंग और मिस्टीरियस फ्रेग्रेंस हो गई थी. तो आई वॉज गेटिंग ऑब्सेस्ड टू अंडरस्टैंड दिस परफ्यूम. बेसिकली मैंने इसको एक्चुअली मैं काफ़ी यूज़ किया जस्ट टू अंडरस्टैंड द फ्रेग्रेंस. एंड आई लव दैट इट हैज़ अ मिस्टीरियस फील टू इट. अब मैं ओवरऑल आपको एक्सप्लेन करती हूँ. इट लिटरली फील्स लाइक मैजिकल पोशन बिकॉज इट हैज़ इट्स फेजेस. तो ये कभी एक बबल गम की तरह प्रोजेक्ट होता है, कभी ये बबल गमी ट्यूब रोज, प्रॉपर बबल गम ट्यूब रोज की तरह फील होता है. इट हैज़ सम सॉल्टीनेस टू इट. इट हैज़ सम यू नो, इट हैज़ सम वाइट फ्लोरल पंच आउट देयर. द ऑरेंज ब्लॉसम ट्यूब रोज इज जस्ट प्लेइंग सो वेल. रोज आई डोंट फाइंड इट डोमिनेटिंग, बट इट इज़ प्रेजेंट इन द बैकग्राउंड. यू कैन फील द रोज का थोड़ा सा रेडनेस वाला फील आता है, वो डेफिनेटली इसमें आ रहा है. एंड ओवरऑल मुझे ये काफ़ी ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस लगा, मिस्टीरियस लगा. लेकिन मुझे थोड़ा सा रजनीगंधा तेल या ऑयली वाला फील भी इसमें आता है, और उसी की वजह से थोड़ा सा प्लास्टिकी या सिंथेटिक फील होने लग जाता है. ये काफ़ी लाउड फ्रेग्रेंस है. इसकी लॉन्जिविटी अच्छी है जस्ट बिकॉज इट हैज़ दैट ऑयली फील टू इट. आई फील दैट इज़ वॉट मेक्स इट लॉन्ग लास्टिंग, क्योंकि इसमें पचोली वगैरह कुछ नहीं है. बट द ट्यूब रोज ऑयली बबल गमी फील दैट इट हैज़ दैट जस्ट लिंगर्स थ्रू आउट. ये मेरे ऊपर ऑलमोस्ट 7 to 8 hours ईजिली चल जाता है. इफ़ आई ओवर स्प्रे दिस देन आई कैन कम्फर्टेबली गेट लाइक 8 to 9 hours आउट ऑफ दिस वन. एंड ये वाला प्रोजेक्ट करता रहता है. लाइक इट हैज़ अ गुड प्रोजेक्शन स्टाइल टू इट.
30-40 मिनट्स स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट करता रहता है एंड देन हल्का हल्का वेस्ट देता रहता है दिन भर. सो इट्स नॉट लाइक कि यू नो इट इवेपोरेट्स इन थिन एयर, ये वो वाला नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड है एंड थोड़ा थोड़ी देर में रिलीज़ होता रहता है. और अलग अलग एलिमेंट्स आपके इसके जर्नी में आप फील करते रहोगे. इसकी जर्नी बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं है. टॉप नोट से लेकर पूरे बेस नोट्स तक इसकी जर्नी इवॉल्व होती रहती है, मैच्योर होती रहती है, चेंज होती रहती है. सो यू विल हैव अ सर्टन यू नो एट सर्टन टाइम यू विल हैव डिफरेंट लेवल ऑफ विस्प इन दिस. आई लव व्हेन द जर्नी इज़ डिफरेंट. मुझे बहुत मज़ा आती है उस फ्रेग्रेंस को एक्सप्लोर करने में. सो दिस इज़ अ गुड वन टू ट्राई इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ चैलेंजिंग परफ्यूम. नाउ इट इज़ अ वाइट फ्लोरल डोमिनेटिंग परफ्यूम इज़ वॉट आई कैन से. एंड इसमें कोई स्वीटनेस वैसी नहीं है, मतलब वेनिला वाली स्वीटनेस मुझे इसमें फील नहीं होती. इट हैज़ अ फ्रूटी स्वीटनेस टू इट. सो इट्स जस्ट बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग वाइट फ्लोरल फ्रेगरेंस इज़ वॉट आई कैन से. इसमें कोई स्पाइसीनेस नहीं है, सो इट हैज़ सम हैप्पी फील टू इट. इसमें ज़्यादा डेप्थ नहीं है, तो ये काफ़ी हैप्पी और काफ़ी मूड अपलिफ्टिंग काइंड ऑफ अ फ्रेगरेंस है. डू आई फाइंड इट लाइक, सिंस इसका नाम ऐसे लव पोशन सा है, डू आई फाइंड इट अप्रोप्रिएट फॉर लाइक डेट नाइट्स और मे बी वैलेंटाइन और रोमांटिक इनफ? आई एक्चुअली फाइंड इट स्लाइटली सेक्सियर दैन रोमांटिक. आई डोंट फाइंड दिस टू बी अ सॉफ्ट रोमांटिक फ्रेगरेंस. आई फाइंड दिस टू बी स्लाइटली ऑन द सेक्सियर साइड. इट हैज़ अ मिस्ट्री एलिमेंट टू इट. इट हैज़ अ इट हैज़ सम काइंड ऑफ कैरेक्टर टू इट सेल्फ. सो यू नो वॉट, मुझे ऐसे परफ्यूम्स अच्छे लगते हैं जिसमें एक थोड़ा सा डार्कनेस रहता है एंड दिस डेफिनेटली हैज़ अ डार्क फील टू इट. एंड डिस्पाइट बींग अ हैप्पी फ्रेगरेंस, इट ऑल्सो हैज़ अ मिस्टीरियस डार्क साइड टू इट. दैट्स एग्जैक्टली हाउ दिस परफ्यूम स्मेल्स लाइक. सो आई लव इट फॉर दैट बैलेंस दैट दिस हैज़. नाउ कमिंग टू दैट सॉल्टीनेस वाला थिंग जो मैंने पहले बोला, अगर आपने पाकुर रबान का ओलंपिया ट्राई किया हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो अ सॉल्टी वेनिला वाइट फ्लोरल फ्रेगरेंस. एंड दिस इज़ सेट टू बी अ वेरी हैविंग अ क्लोज DNA विद जॉर्जियो अरमानी माई वे. अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव द टेस्टर फॉर इट एंड हैव नॉट ट्राइड दैट फ्रेगरेंस, सो आई एम नॉट रियली श्योर. बट उसका सेंट प्रोफाइल मैंने चेक किया था एंड वॉट आई फेल्ट वॉज दिस कुड बी अ लव चाइल्ड ऑफ पाकुर रबान ओलंपिया एंड जॉर्जियो अरमानी माई वे. इन दोनों का लव चाइल्ड इज़ दिस पर्टिकुलर परफ्यूम. सो इट्स नॉट एन एग्जैक्ट ड्यूप ऑफ समथिंग, बट इट इज़ लाइक ड्यूपिंग टू डिफरेंट, नॉट ड्यूपिंग बट इट हैज़ टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम टू डिफरेंट फ्रेगरेंसेज एंड कंबाइंड इट इन वन. सो दैट्स व्हाट आई फील अबाउट दिस वन. द बबल गमीनेस इन दिस परफ्यूम काइंड ऑफ मेक्स इट happy bubbly fragrance as well, but as I mentioned with a twist of dark side to it. This is my overall take for this particular perfume. I think the projection, sillage, everything is good for the price that you're paying, like around 3000, somewhere between 3000-4000 you're paying for this perfume. And definitely I think it kind of justifies the price because long lasting hai, performance acha hai and the fragrance is unique in a way. To mere collection mein aisi fragrance nahi hai, mere paas ek bhi floral aisa nahi hai jo aisa smell karta hai. I just don't have that bubble gummy floral perfume in my collection, so this is a good one to add in your collection. And iska performance bhi acha hai, to mujhe overall ye bahut acha laga fragrance and I am rating this to 9 out of 10. 1 mark I'm only cutting because of the slightly higher price that it has. I have no complaints with the performance. I'm like very happy with the way it performs. So I just feel it has a kind of like that darkness to it and maturity as well. So I see 20 plus ladies rocking this perfume and I don't see teenagers really like enjoying this one, although it has a bubblegum feel to it, but it's not immature in a way, it's kind of mature. So I don't see anybody in teenagers wearing this one. This is for the mature women out there who are ready to date. Is this a clubbing a fragrance? It is actually. You could rock this during some party and clubbing events as well. It also has, since the white floral is so prominent, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा शादी पार्टी इंडियन फेस्टिविटीज़ वाला फील भी है and it has that kind of potency also to, you know, to be used in Indian parties. So definitely this is a good banger for the bucks that you're paying. Now coming to like which season it is appropriate, I find this to be
ऑल ईयर राउंड काइंड ऑफ अ फ्रेगरेंस, क्योंकि इसमें एक बबलीनेस है एंड इसमें थोड़ा सा फ्रूटीनेस है, इसमें थोड़ा वाइट फ्लोरल्स है, बट इसमें थोड़ा मस्क भी है एंड एम्बर का थोड़ा सा यू नो इट हैज़ अ वार्म्थ टू इट. तो ये डे टू नाइट नाइट के ट्रांजिशन में भी बहुत अच्छे से काम करेगा. ओवरऑल किसी भी टाइम पे आप इसको पहन सकते हो एंड इट इज़ लाइक गोइंग टू वर्क रियली वेल. आई डोंट सी दिस अ वेरी अप्रोप्रिएट वन टू बी वोन इन ऑफिस. मुझे थोड़ी सी लाउड लगती है कि ऑफिस के लिए. आई थिंक दिस इज़ मोर लाइक अ पार्टी परफ्यूम और अ क्लबिंग परफ्यूम. सो ऑफिस वेयर के लिए इट्स नॉट टू सटल. सो दैट इज़ माई ओवरऑल टेक फॉर पुलिस पोशन लव फॉर हर. मुझे बहुत मज़ा आया इस परफ्यूम रिव्यू को करने में, क्योंकि ये परफ्यूम बहुत डिफरेंट था मेरे लिए एंड आई थर्ली इन्जॉयड डूइंग दिस रिव्यू. आई थर्ली इन्जॉयड यूजिंग दिस परफ्यूम एंड आई एम लाइक डेफिनेटली गोइंग टू गेट अ गुड यूज़ आउट ऑफ दिस वन. पुलिस फ्रेगरेंसेज मुझे इतने ज़्यादा इम्प्रेसिव लग चुके हैं बिकॉज दे आर लिटरली बैंगर्स फॉर द बक्स दैट यू आर पेइंग. काफ़ी लाउड है, काफ़ी हेडेक इंड्यूसिंग है, पोलराइजिंग फ्रेगरेंसेज हैं. डेफिनेटली दे आर नॉट समथिंग दैट people will enjoy who don't like stronger fragrances. I've had like some people commenting on my videos on police specific perfume videos, especially it smells cheap and synthetic and it was headache inducing. Of course they are kind of like synthetic because natural ingredients French perfumes mein milna bada mushkil hai and पुलिस इज काइंड ऑफ लाइक अ ड्यूप हाउस. तो ये काफ़ी हद तक दूसरे परफ्यूम्स के साथ इंस्पायर्ड होकर अपना परफ्यूम बनाते हैं. सो आई थिंक देर इज़ लाइक अ सर्टन सिंथेटिकनेस टू इट और एज आई लाइक टू कॉल इट प्लास्टिकनेस टू इट दैट आई फाइंड इन एवरी पुलिस फ्रेगरेंस. सिर्फ पुलिस टैटू आर टू बी मे भी प्लास्टिकीनेस है बट बहुत सटल है. वो फ्रेगरेंस तो मेरा मतलब टॉप फेवरेट है फ्रॉम पुलिस सीरीज. तो हाँ यार, है सिंथेटिक है एंड हेडेक इंड्यूसिंग भी है. मैं पहले ही बता रही हूँ पुलिस के मोस्ट ऑफ द फ्रेगरेंसेज आई फाइंड देम टू बी क्वाइट लाउड एंड ऑन योर फेस. सो अगर आपको वो थोड़े बोल्ड पोलराइजिंग फ्रेगरेंसेज पसंद हैं तो ही आप पुलिस एज अ होल ब्रांड ट्राई करो. अदरवाइज यू कैन स्किप यूजिंग पुलिस फ्रेगरेंसेज. Anyways, that is my overall take for this particular perfume. I hope ki review aapko pasand aaya hoga. If you did, then hit the like button. Support my channel, subscribe, hit the bell notification, follow me on Instagram, and I'm gonna see you very, very soon in my next video. Bye.